Hi everyone, once again welcome to our channel Current Affair Colin. This is Lovely and today we are doing root words. Yeah, second part hai. First hai arrow, A E R ya fir A E R O. Iska jo matlab hota hai wo hota hai air. Iske liye words hai arid, aerial, aerospace, aeronauts, aerodynamics. तो यहाँ पे जो फर्स्ट है एरेड, यहाँ पे यूज हुआ है प्रीफिक्स ए ई आर. इसका मतलब क्या होता है? टू लेट एयर रीच समथिंग, यानी कि हवा को पहुंचने दो. नेक्स्ट है एरियल, रिलेटिंग टू द एयर. एरोस्पेस यानी कि द एयर स्पेस. एरोनॉट, समवन हु ऑपरेट्स एन एयरक्राफ्ट. एरोडायनेमिक्स, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द मोशन ऑफ गैसेस. तो यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं आप देख रहे होंगे, सब में जो प्रीफिक्स है या तो ए ई आर ओ है या फिर ए ई आर है. और इसका क्या सेंस निकल रहा है? या तो वो एयर से रिलेटेड है, हवा से रिलेटेड है, या फिर जितने भी बर्ड्स हैं उनका सेंस यहाँ पे एयर से निकल रहा है. चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे. जो नेक्स्ट हमारा रूट वर्ड है वो है एगॉग. इसका मतलब होता है लीडिंग, किसी चीज को लीड करना. तो इसके लिए वर्ड्स है डेमागॉग, पैडागॉग. पेडागॉग से ही बना है, पेडागॉगी. देन है साइनागॉग. तो मतलब क्या है? जैसे डेमागॉग, एन ऑरेटर हु अपील्स टू द पैशन एंड प्रीजज ऑफ हिज ऑडियंस. ऑडियंस के लिए प्रीजज करना या उनके पैशंस के लिए अपील जो करता है उसे, जो ऑरेटर है उसे कहते हैं. तो डेमागॉग यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑडियंस के प्रीजज और पैशन के अपील्स के लिए एक लीड कर रहा है एक तरह से. तो यहाँ पे जो गॉग है, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे गॉग हुआ है, ये एज अ सफिक्स यूज हुआ है. प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, मैंने फर्स्ट पार्ट में ही ऑलरेडी बताया हुआ है. प्रीफिक्स होता है जो कि वर्ड के स्टार्टिंग में लगता है, सफिक्स जो कि लास्ट में लगता है उसे कहते हैं. तो यहाँ पे एगॉग कहाँ यूज हुआ है? लास्ट में यूज हुआ है, तो एज अ सफिक्स है. फिर आता है पैडागॉग, समवन हु एजुकेट यंग पीपल को. ये ऐसा जो कि यंग पीपल को एजुकेट करता है उसे पैडागॉग कहते हैं. और इस एक्टिविटी को पैडागॉगी कहते हैं. द एक्टिविटी ऑफ एजुकेटिंग और इंस्ट्रक्टिंग क्या कहलाएगा? पैडागॉगी. देन आता है साइनागॉग जो कि प्लेस होता है, जगह होता है. और बर्सी फॉर ए ज्यूइश कॉन्ग्रीगेशन. नेक्स्ट है ए जी आर आई या फिर ए जी आर ओ यानी कि एग्रो या एग्री. इसका मतलब होता है फार्मिंग, एग्रीकल्चर, एग्री बिजनेस, एग्रेरियन. तो यहाँ पे सभी जगह यूज क्या हुआ है? एग्री. एग्री एज अ प्रीफिक्स. तो वर्ड्स है एग्रीकल्चर यानी कि मैनेजमेंट ऑफ द लैंड, लैंड को जो मैनेज करते हैं उसे कहते हैं एग्रीकल्चर. एग्री बिजनेस यानी कि मेकिंग मनी बाय यूटिलाइजिंग लैंड, जो लैंड है उसको यूटिलाइज करके मनी बनाना, इसे कहते हैं एग्री बिजनेस. देन आता है एग्रेरियन, रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ लैंड. ये भी किससे रिलेट कर रहा है? मैनेजमेंट ऑफ लैंड से. नेक्स्ट है एहोलिक, अहोलिक. इसका मतलब होता है ऑब्सेशन फॉर, किसी चीज का ऑब्सेशन होता है उसे कहते हैं अहोलिक या फिर ओहोलिक. वर्कहोलिक, शॉपहोलिक एंड अल्कोहोलिक. तो यहाँ पे क्या है, जो एहोलिक है वो एज अ सफिक्स यूज हुआ है. तो जैसे कि वर्कहोलिक यानी कि ऑब्सेशन ऑफ वर्क, शॉपहोलिक यानी कि ऑब्सेशन फॉर शॉपिंग. चलते हैं नेक्स्ट पे एल्गो. इसका मतलब होता है पेन, जैसे वर्ड्स है न्यूरोल्गिया. देन आता है एनल्जेसिक. देन आता है नॉस्टैल्जिया. तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो एल्गो है या फिर ए एल जी है वो यूज हुआ है बीच के वर्ड्स में. तो यहाँ पे क्या है? न्यूरोल्जिया यानी कि पेन कॉज्ड बाय अ नर्व. जो पेन है वो नर्व के कारण हो रहा है तो उसे कहते हैं न्यूरोल्जिया. देन आता है एनल्जेसिक, अ ड्रग दैट मेक वन पेन फ्री. यदि पेन हो रहा है, आपने वो जो दवाई ली है उससे आपका पेन, आपको उस पेन से रिलीफ मिल रहा है तो उसे कहते हैं एनल्जेसिक. देन आता है नॉस्टैल्जिया यानी कि एकिंग फॉर द फेमिलियर. यह आज का लास्ट रूट वर्ड था एल्गो. आई होप आज का वीडियो आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव है. तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेंगे, ताकि जैसे ही नई वीडियो डलती है सबसे पहले आपके पास पहुंचे. मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट डे. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.